अस्सलाम वालेकुम जोहर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी शेयर करनी थी जिससे आप लोग सप्लीमेंट्री जो बच्चा है वो इजीली पास हो जाता है। सप्लीमेंट्री बच्चे के लिए दो तीन मुश्किलात जो हैं वो उसको फेस करना पड़ती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 10th का मैथ्स है और 10th के मैथ्स में सप्ली आ गई है, तो अब वो बच्चा पजल हो जाएगा, वो पूरी किताब कैसे पढ़ेगा। उसके पास मैथ्स 40 days हैं, तो 40 days के अंदर बच्चे के लिए बड़ा मसला बन जाता है कि उसने किस तरीके से कवर करना है। इसमें बच्चा जहाँ पे भी जा रहा है, जो उनसे कोचिंग सेंटर जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, मैं ये सजेस्ट करूँगी सबसे पहले आप उसको मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर्स जो है अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम, सिर्फ वो तैयार करवाएं। पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर तो पूरे पूरे चैप्टर बच्चा कर सकता है तो वेल एंड गुड है। अगर बच्चा वो नहीं कर सकता तो देन आप उसको पास्ट पेपर्स उसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, जो पास्ट पेपर्स वाले चैप्टर्स हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हैं, आप वहाँ से बच्चे को तैयारी करवाएं। और अगर इससे भी मतलब लीस्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप उस जो पेयरिंग स्कीम है उसमें से भी चैप्टर डिवाइड कर लें, तो भी बच्चा जो है वो कम से कम 20-22 नंबर लेके अपना क्लियर कर सकता है पेपर। कुछ लोग कहते हैं जी टिप्स नहीं करने, टिप्स जो है वो बच्चों को एक शॉर्ट हैंड है, टिप्स से बच्चा किस तरह करेगा, पास होगा नहीं होगा। देखिए, मेन मकसद है बच्चे को आइडिया देना, वहाँ से उसे पेपर पैटर्न की समझ आ जाती है, वहाँ से वो थोड़ी सी इतना उसका दिमाग चलने लग जाता है कि मैंने पेपर किस तरीके से आएगा, किस तरीके से मैंने अटैम्प्ट करना है। जो 2024 सालाना पेपर 1 वाला है, टर्म 1 वाला जो पेपर है, फर्स्ट एनुअल वाले, उस पेपर को सामने रखते हुए उस पेपर पैटर्न पे बच्चे को तैयारी करवाएं। इंशाल्लाह बच्चा जरूर पास होगा। अल्लाह हाफिज़।